आपके साथ मैं हूं दीपिका। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने घर में आते ही बवाल मचा दिया है। तो यहां पर दिग्विजय के निशाने पर विवियन लग रहे थे, लेकिन विवियन के साथ साथ उनका ग्रुप भी निशाने पर है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ विवियन अकेले निशाने पर हो। कशिश जो है वो लगातार ईशा को टारगेट कर रही है, कल के एपिसोड में हमने देखा था। लेकिन दिग्विजय जो है वो विवियन को परेशान कर चुके हैं पूरी तरीके से। 3 बार विवियन ने कल के एपिसोड में उनसे पूछा कि आपको क्या काम करना है, क्या काम करना है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। पहले उन्होंने बाथरूम की बात पर मना किया, उसके बाद उन्होंने किसी भी ड्यूटी को लेने से इनकार कर दिया। टाइम गॉड का फैसला नहीं मान रहे हैं घर वाले और घर बिल्कुल गंदा पड़ा है। तो डेफिनेटली इस वीकेंड के वार में घर वालों की क्लास लगेगी। चाहत ने काम करने से मना कर दिया, सारा ने काम करने से मना कर दिया, और कहीं ना कहीं विवियन भी बायस्ड हैं। विवियन जिस तरीके से अपने ग्रुप को बचा रहे हैं वो चीज़ें घर वालों को पसंद नहीं आ रही है। शिल्पा भी इस बात को कह चुकी है कि आपको बायस नहीं होना है। लेकिन दिग्विजय के निशाने पर विवियन के साथ साथ अविनाश भी हैं। चोरी को लेकर बातें हो रही है, टी बैग चोरी किए जा रहे हैं, कॉफ़ी के जो फ्रेंच प्रेशर होता है वो भी चोरी किया जा रहा है। तो ऐसे में दिग्विजय टी बैग की बात को कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अविनाश ने इस सीजन में सबसे पहले चोरी की थी और उसके बाद से बाकी चोरियां होनी शुरू हो गई। तो अविनाश को गुस्सा आ गया, अविनाश ने भी जवाब देने शुरू कर दिए। और उसके बाद जिस तरीके से ग्रुपबाजी होती आ रही है घर में और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अविनाश वाले ग्रुप पर हमला बोल रहे हैं, तो अविनाश और दिग्विजय आमने सामने आ गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि भाई तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी, हमेशा की तरह जिस तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं। तो अविनाश और दिग्विजय, ईशा और कशिश वाइल्ड कार्ड के निशाने पर, ये ग्रुप है। डेफिनेटली ग्रुप को भी हाइप मिल रही है, लेकिन इस झगड़े में कौन सही है कमेंट कर जरूर बताइएगा।